करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी में दावेदारों की भरमार है। टिकट के लिए नेताओं की अब भीड़ लगने लगी है। पूर्वी राजस्थान की सीटों पर सबसे ज्यादा दावेदार बताए जा रहे हैं। करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर दावेदारी पेश की गई है। भरतपुर अलवर दौसा में भी दावेदारों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। 6 रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी भी टिकट की मांग कर रहे हैं। करौली धौलपुर से लोकसभा सांसद है डॉक्टर मनोज राजौरिया। तो देखिए इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। अब आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव, उससे पहले दावेदारों की होड़ लगी हुई है। अलग अलग जगहों से अलग अलग जो नेता है वो अब टिकट मांग रहे हैं। भीड़ लगती हुई अब दिख रही है। पूर्वी राजस्थान की सीटों पर सबसे ज्यादा टिकट के जो दावेदार है वो बताए जा रहे हैं। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। बीजेपी में चुनावों की देखिए अब जल्द ही कहा जा रहा है कि चुनाव की जो तारीख है वो ऐलान कर दी जाएगी और बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है उसमें अब दावेदारी बहुत ही ज्यादा बताई जा रही है। अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग अब टिकट की दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, गलत खून चढ़ाने से मरीज की मौत का ये पूरा मामला है और कमेटी को आज ही जांच रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ घंटों में रिपोर्ट आने पर सरकार को भेजी जाएगी। रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। मोर्चरी के बाहर परिजनों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कार्रवाई की मांग की जा रही है और शव उठाने से भी इनकार कर दिया गया है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी, गलत खून चढ़ाने से मरीज की मौत का ये पूरा मामला है और उसी को लेकर के अब कार्रवाई की मांग जोरों शोरों से की जा रही है। और परिजन जो है उनमें अब रोष देखने को मिल रहा है, आक्रोश देखने को मिल रहा है और जो परिजन है वो शव उठाने से इनकार कर रहे हैं और कमेटी को आज ही जांच रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो सरकार पूरी तरीके से इस मामले में गंभीरता दिखा रही है। आपको बता दें कि कार्रवाई की मांग की जा रही है। लापरवाही ने जान ले ली है एक शख्स की। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और अभी जांच पड़ताल भी इस पूरे मामले की तेज कर दी गई है। अब सरकार भी इस पूरे मामले में गंभीरता से लेते हुए कहा है कि जल्द ही रिपोर्ट सौंपनी होगी। कैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है और अभी जहां पर आप मौजूद है वहां पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि परिजनों में भी भारी आक्रोश नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पहले तो इस पूरे मामले को दबाया जाता रहा, लेकिन मीडिया में जब ये पूरा मामला सामने आया और उसके बाद जो है वो प्रशासन हरकत में आया और कल ही जो है वो जांच कमेटी गठित की गई थी। लेकिन आज जो है वो मरीज सचिन की जो है वो मौत हो चुकी है और अब परिजन जो है वो शव लेने से इनकार कर रहे हैं। और इस बीच प्रशासन का, SMS मेडिकल कॉलेज प्रशासन का यह कहना है कि जांच रिपोर्ट आज ही आ जाए, इसके निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं कमेटी को। अगले कुछ घंटों में रिपोर्ट आएगी और उसके बाद कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन इस बीच प्रदर्शन भी जो है वो शुरू हो चुका है। अभी मैं मोर्चरी के बाहर हूँ और यहाँ पर अलग अलग संगठनों के लोग जो है वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सुनील उदैया है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार की मांगे है, क्या आप लोग किस प्रकार का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी मांग तो हमारी ये है कि ये जो घटना हुई है एक सामान्य घटना नहीं है, गंभीर लापरवाही है। और ऐसी कितनी घटनाएं हो चुकी होंगी, कितने मरीज मर चुके होंगे, आगे भी मरेंगे। सबसे बड़ी मांग है सख्त से सख्त कार्रवाई, टर्मिनेट हो वो स्टाफ जो उस समय ड्यूटी पर था और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, हत्या का मुकदमा चले। दूसरी मांग हमारी, इस एकमात्र इकलौता पुत्र ये था और इनके पिता भी किडनी के पेशेंट है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, सरकारी सिस्टम की चूक है, सरकार 1 करोड़ रुपए इनको मुआवजा दे और परिवार में कोई जो परिजन है उनको नौकरी दे। ये हमारी मांग है। बाकी सबसे बड़ी मांग तो हमारी उस स्टाफ को सरकार प्रशासन अभी की अभी टर्मिनेट करे। आपको क्या लगता है ये अस्पताल प्रशासन ने इस मामले को दबाने की भी कोशिश की, क्योंकि ये मामला जो है वो एक सप्ताह पुराना है और जब ये मीडिया में आया उसके बाद ही जो है वो जांच कमेटी गठित की गई, तो क्या लगता है अस्पताल प्रशासन इतने दिनों से इस मामले को क्यों दबाने में लगा था? देखिए, 10 दिन पहले ये हो चुका था, 12 फरवरी को गलत ब्लड चढ़ गया और उसके बाद से लगातार बच्चा सीरियस था, हॉस्पिटल प्रशासन को पता लग चुका था, लेकिन मामले को दबाने का प्रयास था, लीपापोती का प्रयास था। और जैसे कि हर मौत में बता दिया जाता है कि संक्रमण फैल गया या कुछ हो गया, इतिसरी हो जाती, परिजनों की जागरूकता से वो टिकट उनको मिल गया जिसमें गलत ब्लड ग्रुप लिखा हुआ था और उससे मामला उजागर हुआ और मीडिया में आने के बाद में
इस पर कार्रवाई कमेटियां बैठी हैं और उसके बाद लीपअप होती अभी भी हो रही है, कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई है। जबकि सीधा सीधा सा विषय है कि जो उस समय स्टाफ ड्यूटी पर था उसने लापरवाही की, गलत ब्लड भेज दिया और वहां से गलत ब्लड आ गया, चढ़ गया, तो सीधा सा प्राइमा फेसी दिख रहा है और फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना, ये हॉस्पिटल प्रशासन की सह है और इसी सह से हॉस्पिटल कर्मी लापरवाह होते जा रहे हैं, मरीजों की देखभाल नहीं होती है, इस तरह की घटनाएं होती रहती है लेकिन उनको लीपअप होती से खत्म कर दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये अलग अलग संगठन जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अपनी नाराजगी जो है वो व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मामला है। शुरुआती जांच भी अगर प्रशासन ने की होती तो भी ये सामने आ जाता कि कहां पर जो है वो चूक हुई है, उस व्यक्ति को जो है वो संबंधित जो व्यक्ति है उसको हटाया जा सकता था, कुछ कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होना ये बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े करता है। ऐसे में अस्पताल पर लाखों लोगों का विश्वास है और इस विश्वास पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो अब लग चुका है, लेकिन जिस प्रकार से अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई और वो भी मीडिया में आने के बाद जो है वो जांच कमेटी गठित की गई, क्या अस्पताल में इस प्रकार की व्यवस्था होती है, कई तरह के सवाल जो है वो ये पूरा मामला जो है वो उठा रहा है। अब देखना होगा किस प्रकार से कार्रवाई होती है, जिस प्रकार की जानकारी मिली है राज्य सरकार स्तर पर भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है और जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट जो है वो पेश करने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। जी बिल्कुल। और देखिए जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि लगातार देखिए अगर हम एसएमएस हॉस्पिटल की बात करें तो अलग अलग जिलों से लोग वहां पर पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए, सीरियस केस होता है तो उस अस्पताल में लोग पहुंचते हैं और उस पर भरोसा है कि यहां पर जांच होंगे और सही जो मरीज है वो हो जाएगा, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती तो आमजन का भी भरोसा उठ जाता है। जी बिल्कुल, सिर्फ जिले नहीं पूरे देश के कई राज्यों से, चाहे पंजाब, हरियाणा, यूपी, अलग अलग राज्यों से जो है वो मरीज यहाँ पर पहुंचते हैं और सड़क जाम करने की बात जो है वो की जा रही है। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अब ये उनका ये कहना है कि सड़क जो है वो मुख्य रोड जो है वो जाम करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी, हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। अब क्या प्रशासन किस प्रकार से इसे रोकता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ जो संगठन के लोग पहुंचे हुए नारेबाजी कर रहे हैं वो अब मुख्य सड़क की ओर बढ़ रहे हैं और हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि परिजनों में अब आक्रोश दिखाई दे रहा है और आप इस पूरे मामले में नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए रुक करते एक और बड़ी जानकारी की ओर। जयपुर के झोटवाड़ा में कुछ नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर के पीएनबी बैंक में घुस गए, बदमाशों ने बैंक के कैशियर को गोली मार दी, वही वारदात में एक बदमाश को भी गोली लग गई है। मौके पर मौजूद भीड़ ने लुटेरों को पकड़ लिया है और सीसीटीवी में भागता हुआ ये नजर बदमाश आया है। आपको बता दें कि कैशियर को एसके सोनी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो यह बड़ी जानकारी आपको देना है जयपुर के झोटवाड़ा से, जहां पर पीएनबी बैंक में लूट की कोशिश की गई और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, बड़ी सफलता हाथ लगी है और जो दूसरा बदमाश है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी पीएनबी बैंक में लूट से जुड़ी हुई आपको सबसे बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि पहले ही एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया था और चारों तरफ नाकेबंदी करवा दी गई थी, पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है और जो दूसरा बदमाश है उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आप तस्वीर देखिए, हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीर है जब बदमाश यहां पर लूट करके फरार होते हैं और लगातार देखिए पुलिस यहां पर अभियान चला रही थी, सर्च किया जा रहा था और बैंक लूट का जो दूसरा आरोपी है वो भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पल पल की अपडेट हमें दे रहा है। रोशन, आपने हमें तस्वीरें भी दिखाई है और फिलहाल जो अपडेट मिल रही है जो दूसरा आरोपी है वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है, फिलहाल और क्या जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, कहा जा सकता है कि जो जयपुर पुलिस को बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है, महज 2.5 घंटों के भीतर जो दूसरा अभियुक्त है जो इस डकैती के अंदर शामिल था वो भी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। ये वही बैंक है जिसके अंदर करीब 10 बजे जो रॉबरी करने के लिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो नकाबपोश जो डकैत है वो यहाँ पर घुसे थे, उसमें से एक जो अभियुक्त है उसको यहाँ पर स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पर पकड़ लिया गया था और जो दूसरा जो अभियुक्त है वो यहाँ से भगने में जो कामयाब रहा था। हालांकि कहा जा सकता है कि महज
जो 2.5 घंटों के भीतर राजस्थान पुलिस ने दूसरे अभियुक्त को भी पकड़ लिया है, इस तरीके की जो जानकारी है वो यहाँ पर मिल रही है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर है कैलाश विश्नोई वो यहाँ पर आए थे। आप यहाँ पर देखिए राजस्थान पुलिस की जो स्पेशल जो टीम है, इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जा सकता है कि पुलिस को एक जो बड़ी जो सफलता है वो यहाँ पर हाथ लगी है। सर, जो दूसरा अभियुक्त है उसको भी पकड़ लिया है क्या? कुछ नहीं, मेरे पास अभी कोई अपडेट नहीं है अभी, लेकिन पुलिस को सफलता मिली है इस तरीके की वो है। पुलिस पूरी तरीके से जो मुस्तैद है वो यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहा है कि जो दूसरा अभियुक्त है उसे भी यहाँ पर जो पकड़ लिया है। इस तरीके से जो पुलिस की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर जानकारी में यहाँ पर जो जुटी हुई थी, सीसीटीवी यहाँ पर जो फुटेज है वो खंगालने की यहाँ पर कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। देखिए यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम सीधा उनसे जानते हैं कि जो अभियुक्त है वो इसी रास्ते से आगे की ओर यहाँ पर भगा था। जो सीसीटीवी जो फुटेज है वो यहाँ पर है, ये वही जो लोग हैं जो उस अभियुक्त को यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही इन्हें जानकारी मिली कि यहाँ पर जो फायरिंग हुई है, ये जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे सबसे पहले चाय बनाने वाले। आप यहाँ पर क्या कर रहे थे उस वक्त जब ये पूरी घटना हुई तब? सर, मैं चाय बना रहा था, मैंने गोली की आवाज सुनी तो मैंने सोचा टायर फटा है, फिर वो बैंक वाले चिल्लाए तो मैं उनके पास भग के गया, तो मैंने वजारा समझ के उसको दबोच लिया और उसके लात घूसे लगाए, फिर सभी व्यापारी लोग आ गए, हमने पकड़ लिया उसको। लोगों की सूझबूझ से कहा जा सकता है कि एक जो अभियुक्त से पकड़ लिया, किस कैसी स्थिति में था वो? वो बिल्कुल घबराया हुआ नहीं था और हट्टा कट्टा आदमी था और पिस्तौल उसने छोड़ी नहीं, मैंने हाथ के उसके यूं मारा जब जाके उसने पिस्तौल छोड़ी हाथ से। अब जो पुलिस ने पिस्तौल है, जो नकाब है वो भी यहाँ पर पकड़ लिया है, क्या कुछ जानकारी मिली है? कितनी देर में पुलिस आई? पुलिस सर आधा घंटे के बाद आई है यहाँ, पुलिस बहुत देर से आई, यहाँ से पीसीआर गई थी, हमने उसको रोकना चाहा लेकिन उन्हें सुना ही नहीं की हमारी और सीधी चली गई वो पीसीआर। आप थे उस वक्त, आप लोग मौजूद थे उस वक्त? आप नहीं। क्या कुछ वाकया यहाँ पर हुआ है जो पड़ोस में, यहाँ पर जो सैलून की दुकान है यहाँ पर, हम उनसे भी यहाँ पर जानकारी यहाँ पर लेते हैं। अभी जो कुछ यहाँ पर बता रहे थे, आप लोग यहाँ पर मौजूद थे उस वक्त? आप मौजूद थे? हाँ भैया, हाँ मैं तो मेरे काम कर रहा था, बड़े वाले भैया गए थे साथ में, तुरंत गए। हाँ, तुरंत किस तरीके का उस वक्त वाकया हुआ? भाई कहता उसको नीचे क्या है, लोटा रखा था, नीचे पकड़ रखा था, उसको दबोच रखा था। भाई कहता भागने की फिलहाल में था, मतलब अपनी गर्दन को बार बार तड़पा रहा था, उसको पकड़ने के लिए उसकी गर्दन में हाथ रख के बैठे हुए थे सिर्फ। लोगों ने उसकी पिटाई भी काफी करी है, उसे पकड़ लिया उसको। सर ढंग से मारा उसको, कमी नहीं छोड़ी, अगर थोड़ी देर और रुक जाता ना तो उसका ढंग से इलाज कर देते हैं सारे। देखिए ये तो लोगों में आक्रोश यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर जो बड़ी कहा जा सकता है कि भारी यहाँ पर जो पुलिस यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो पुलिस यहाँ पर जो घेरा है, और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो ए श्रेणी की कहा जा सकता है कि जो नाकाबंदी यहाँ पर की गई। अब जो जानकारी मिल रही है कि जो दूसरा अभियुक्त है उसे भी पुलिस ने यहाँ पर पकड़ लिया है। संभवतः इस पूरे मामले के अंदर जो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पूरे उस मामले के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो जानकारी है वो साझा करें। हाल फिलहाल जो दोनों जो अभियुक्त है वो पुलिस की गिरफ्त में है। बिल्कुल रोशन, और पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है कि दूसरा भी जो बदमाश है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये उस दौरान की तस्वीर है जब जो बदमाश है वो बैंक में घुसे, वहां पर लूट की उन्होंने कोशिश की और जब वो भागे तब की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रोशन, वहां पर कुछ लोग मौजूद है, आप उनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने बताया कि एक को तो आम जनता उन्होंने ही पकड़ा और फिर उसकी पिटाई भी की है, अब दूसरा भी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस की तरफ से अभी क्या कुछ और कहा जा रहा है कि इसमें कितने लोग शामिल और कितनी गिरफ्तारियां हो सकती है? देखिए अभी यहाँ पर जो जानकारी यहाँ पर जो मिल रही है, अभी तक जो बैंक प्रबंधन ने स्पष्ट नहीं किया है कि उनका जो कैश है उसकी क्या कुछ स्थिति है, जो उनकी नगदी थी वो कितनी थी, क्या कुछ जानकारी थी यहाँ पर। जो पंजाब नेशनल बैंक के भी यहाँ पर बताए यहाँ पर जा रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जो दूसरा जो अभियुक्त है वो जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज के अंदर नजर आ रहा है, हम दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरा जो अभियुक्त है अपने बगल में एक जो पॉलीथीन है उसके अंदर कुछ सामान यहाँ पर हो सकता है, नकदी यहाँ पर हो सकती है, वो लेकर यहाँ पर भगता हुआ यहाँ पर नजर आया है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जब इसी यहाँ से रास्ते से यहाँ पर घुसा था तो उसको यहाँ पर कोई चोट यहाँ पर लगी, सबसे पहले पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर जो डीसीपी है उन्होंने तमाम जो आसपास के जो हॉस्पिटल है उसके अंदर मामले में नजर बनाकर के रखी।
बाकी आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, राजसमंद के आमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। तालाब में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई है। नहाने के दौरान गहरे पानी में ये युवक डूब गए। ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुखमपुरा केलवा क्षेत्र के ये दोनों युवक बताए जा रहे हैं। ढेलाड़ा में भैरुनाथ मंदिर के पीछे तालाब की ये घटना बताई जा रही है। आमेर से ये जानकारी, जहां पर तालाब में डूबने से दो युवकों की मौत की खबर सामने आ रही है। अब रेस्क्यू भी इनका किया जा रहा है। आपको बता दें कि नहाने के दौरान ये जो युवक है वो गहरे पानी में डूब गए हैं। ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन अभी जो अपडेट है इन दोनों युवकों की मौत हो गई है। राजसमंद के आमेर से ये जानकारी, मुखमपुरा केलवा क्षेत्र के ये जो दोनों युवक है वो बताए जा रहे हैं। ढेलाड़ा में भैरुनाथ मंदिर के पीछे की तालाब की ये घटना बताई जा रही है। 12 से बड़ी जानकारी आपको दे दे, बीजेपी नेता मनीष लश्करी का हंगामा देखने को मिला है। बिजली विभाग के बाहर मनीष लश्करी का यह हंगामा हुआ है। मनीष लश्करी और उसके भाई ने खुद पर पेट्रोल डाला है। बिजली विभाग के दलालों पर आरोप लगाया गया है। कनेक्शन देने के नाम पर 3 लाख रुपए मांगने का आरोप है और बिजली कार्यालय के बाहर अब धरना दिया जा रहा है। 12 से ये जानकारी, जहां पर बीजेपी नेता मनीष लश्करी का हंगामा देखने को मिल रहा है। तस्वीर देखिए, हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर बैठे हुए हैं, हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बिजली विभाग के बाहर मनीष लश्करी का ये हंगामा देखने को मिल रहा है। विश्वास करके व्यक्ति यहाँ आता है, आपकी कार्रवाई नजीर बनेगी और लापरवाही स्टाफ के लिए सबक होगा। आगे से लोग ध्यान रखेंगे कि बाढ़ में से ही सैंपल के लिए कह दिया या स्वीपर से कह दिया, इस तरह की जो घटनाएं होती है। हमारे तो आपसे यही निवेदन है, क्योंकि मामला सीधा सीधा आपके प्रशासन से जुड़ा हुआ। अन्य घटनाओं में तो किसी ने आत्मदाह कर लिया, जमीन का मामला था, एक्सीडेंट का मामला था, ट्रैक्टर चुरा दिया और कोई लड़ाई थी, क्योंकि मामला आपसे जुड़ा है तो हम आपके पास ये रक्षक भक्षक मानने वाली स्थिति है। आदमी इलाज के लिए सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में आता इलाज के लिए, और उसका गलत इलाज करके हत्या, मतलब इलाज में एक तो होता है कि हाँ साहब ये तो भगवान के भरोसे था, स्थिति कैंसर की स्टेज लास्ट थी, हार्ट अटैक की स्थिति ऐसी गंभीर थी कि साहब नहीं बचा पाए, या तो उसको इलाज ही गलत दे दिया हमने जानबूझकर, तो साहब रक्षक भक्षक बनने वाली स्थिति। सवाई मानसिंह अस्पताल जिसको देखकर, जिसका मूड देखकर पूरा हिंदुस्तान यहां आ रहा है साहब, और वहां ऐसी घटना, और साहब हमें क्यों आना पड़ रहा है, हमें आना पड़ रहा है, हम लोगों को आना पड़ रहा है, परिजनों के अलावा समाज के लोगों को आना पड़ रहा है, मतलब कितनी गंभीर बात है साहब। आपसे हमारी, हमें आशा है आपसे, और हम ये चाहते हैं जैसा हमारे भाई सुनील जी ने कहा, ये नजीर बने साहब कि यहाँ पर गंदगी का ढेर कभी कोई कैसी छोड़ रहा है। आए दिन अखबारों में हम पढ़ रहे हैं अस्पतालों में ऑपरेशन के बाद कभी कोई ब्लेड रह जाती है, कभी रुमाल। देखिए, इसमें दो तरह से इस पर अप्रोच किया गया था इस प्रॉब्लम को। डेफिनेटली ये बहुत चिंता का विषय था सारे प्रशासन के लिए भी, अस्पताल और कॉलेज महाविद्यालय के स्तर पे भी। तो जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल था, उसके एक पूरी एक्सपर्ट की टीम थी, उस पर पूरा प्रयास किया गया, पर जैसा अभी पता लगा कि सुबह उस मरीज को नहीं बचा पाए। ये डेफिनेटली बहुत दुखद घटना है और हम क्षुब्ध भी हैं और इस बात से बड़ा दुख भी हो रहा है। अब इसमें ये ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे, और ये जो आरोप हैं, जो भी जिस बारे में जो कंट्रोवर्सी है, वो वाकई में कितनी सच है और उस कंट्रोवर्सी से कितना पेशेंट का नुकसान हुआ है, इन सारे तमाम पहलुओं को डिफरेंट एंगल से इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है। उसके लिए हमने कल ही, जैसे ही पता लगा कि ये ऐसी कोई घटना जैसे बात आई हमारे सामने आई, तो उसके लिए कल ही हमने कमेटी गठित कर दी थी और उसको हमने टाइम दिया था 48 घंटे का, लेकिन उसको हमने शॉर्ट करते हुए आज ही, ये हमारा प्रयास है कि आज अगले कुछ घंटों में वो रिपोर्ट मिल जाएगी, और जैसे रिपोर्ट हमें मिलेगी उसको हम गवर्नमेंट को प्रस्तुत कर देंगे उनके मार्गदर्शन के लिए।
तो गलत खून चढ़ाने से मरीज की मौत का ये पूरा मामला है। अब इस पे टीम भी गठित कर दी गई है जो कि इस पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।